सोने के बोलो ना, देखो कितना मुंह पानी पानी कर रखा है। अब पैर भी धो के आई है, मुंह भी हाथ भी अपना आप धो लेता है ना। चलो वो मुंह साफ करो, चुन्नी से मेरी गोरी चुन्नी उठा लो। तो मैं अपने और इसके चावल ले आई हूँ, दही है इसमें। है मुंह पोछ लो ना, मत करो, जल्दी आ जाओ खा ले। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? ऐसा करते हैं चाहे सोचेंगे बिल्कुल मस्त अपने लाइफ में। तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 11:30। तो केश को उल्टी आई थी फ्रेंड, गर्मी इतनी हो रही है ना पूछो मत। तो यहाँ पे मैं केश को सुला रही थी। तो मेरा बच्चे की तबीयत ख़राब होना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं फ्रेंड। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ बस मेरी तबीयत ख़राब, जब मेरे बच्चे की कभी तबीयत ख़राब ना हो। तो यहाँ पे केश सो भी गई थी बच्ची है फ्रेंड, नींद भी आ ही जाती है। तो मैंने दवाई दे दी थी इसे, फिर ये आराम कर रही है फ्रेंड। और आप लोग भी दुआ करना कि केसो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, गर्मी बहुत है फिर फ्रेंड। ये आज मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो देख सकते हो, ये खीरा है और इसमें रोटी है। जो इसका सेट है ना फ्रेंड, इसका ना ढक्कन नहीं मिल रहा है जो लगाते हैं यहाँ पे ऊपर पे रोटी वाले का। तो मतलब मम्मी आएगी तभी तो पता चलेगा कहाँ है क्या है। इन्होंने ये ऑनलाइन मंगवाया था फ्रेंड, तो ये इनका टिफिन नया वाला है ये, इसी के साथ का ढक्कन नहीं मिल रहा है एक, तो इसलिए मुझे इसमें रोटी देनी पड़ती है इनको। ये काम कर रही है पानी भरी म्यूल जग में, क्योंकि ये कमरे में रखूँगी तो ये पानी पी लेती है वैसे, नहीं तो ये पानी भी नहीं पीती इतनी ज़्यादा ना। म्यूल जग में रहता तो बार बार पानी मांगते रहती है, गर्मी वैसी हो रही है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए ना किशु। डालो बेटा पानी और भर दो। तो मेरी बेटी भी काम कर रही है भाई, देख सकते हो अभी अभी उठी है ये। और इसमें ना रात को उल्टी करी बहुत ज़्यादा ना मैं बेटा, तबीयत खराब हो गई थी आपकी है ना। कहाँ हो गया था बेटे को, कहाँ हो था बताओ, मम्मा को बताओ क्या आई थी आपको। केशु केशु क्या आई थी आपको, बता दो ना एक बार, नहीं बोलते फिर मैं जा रही हूँ, बाय। उल्टी आई थी, अच्छा। तो देखो काम कर रही है मेरी बेटी, लो अब डालो, अब नहीं गिरेगा। इससे क्यों कर रहा है, उसमें से करो, बाल्टी में डालो, बाल्टी से डालो। हाँ अभी सो के उठी है तो काम करने लगी। केशु झाड़ू मारेगा ना, पोछा मारेगा, बर्तन धोएगा, कपड़े, बाथरूम सब काम करना है आपको। मारूंगी बोरी, मम्मा खांसी हो रही। तो क्या हो गया, तो खांसी में काम नहीं करते हैं, बता ना। क्या दादी बोलती छोटी है, हैं क्या काम है। अच्छा तो देख लो इसको होशियार को, अब पहले उसमें भर दो, फिर इसमें मिक्स करूँगी ठंडा पानी। तो ना यहाँ पे मैंने म्यूल जग धो दिया था भाई, रो रो धोने चाहिए बर्तन पीने के ना। तो मैंने बाल्टी बुल्टी भी धो दी है फ्रेंड, और सारा काम हो गया मेरा, खाना रह गया बस, रोटी रोटी रह रही है हमारी। नहीं तो ये हस्बैंड जाते हैं 6 बजे, तो इनका तो बना देती हूँ मैं सारा। तो हमारी रोटी रह रही है, इसकी मैगी ला रखी है, मैगी बना दूंगी इसके लिए। प्रियांशु से मंगवाई थी ना दूसरी, इसमें नहीं है मिर्ची। तो मैंने सारा काम कर दिया है, खाना को नहला दिया, तो इनकी मैगी बना देती हूँ फटाफट। 8 बज रहे, तो मेरा सारा काम, 7 बजे तो मेरे झाड़ू पोछा हो गया, तो सारा काम निपट गया था। तो देख लो है कि नहीं है। तो यही लगे रहते हैं फ्रेंड घर गृहस्थी में, तो कुछ आज मैं प्रेस करूँगी, 2 दिन हो गए ऐसे रखी थी, 2-4 कपड़े प्रेस कर दूँगी फ्रेंड। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे। तो गर्मी हो भी क्यों ना, क्योंकि गर्मी का टाइम ही है ये। तो दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड, इतनी उत्तराखंड की साइड नहीं है जितनी यहाँ की साइड है। मेरी इसी केस आई थी ना, तो वहाँ पे तो इतना ही नहीं थी। तो यहाँ पे तो जैसे रोटी वगैरह बनाओ, जैसे झाड़ू सुबह काम करो ना, तो ऐसा लगता है चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, बस तबीयत ख़राब सी लगती है जब तक काम करो ना, गर्मी इतनी है क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इसलिए गर्मी से बचने के लिए म्यूल जग
भर दिया था पानी से, और इसमें पतीले में बर्फ़ जमा देती हूँ क्योंकि फिर दिन भर हम ये पीते रहें। और केशु अगर पानी देख लेती है ना कमरे में तो पीते रहती है, नहीं तो ये पानी भी नहीं पीती है ज़्यादा। तो मैंने कहा बर्फ़ फोड़ फाड़ के डाल देती हूँ क्योंकि ठंडा रहेगा बहुत टाइम तक, तो इसलिए, क्योंकि बच्चे को भी ना होते ये फ्रेंड जब तक सामने रहती है तब तक कि खाना पीना होता है, कुछ भी हो ए टू जेड लगा लो आप लोग, तो इसलिए मैंने एक म्यूल जग बना लिया है, तो इसी में मैं अपने बेटे को पानी पिलाती हूँ और अपना आप भी पीती हूँ, सभी इसी से पीते हैं मतलब। और फ्रिज में भी रहता है वैसे पानी बोतलों में, तो मैं इसी से म्यूल जग से ही पीती हूँ, मैं नहीं पीती और बाहर का पानी वैसे। तो यहाँ पे केसु भी बर्फ़ फोड़ने आ गई थी देख सकते हो, तो बोल रही थी मैं बर्फ़ खाऊँगी तो मैंने भी खा ली थी। तो बच्चे बर्फ़ देख ले तो बिल्कुल भी मानते नहीं हैं कि बर्फ़ नहीं खाएंगे, तो मतलब उन्हें बर्फ़ चाहिए चाहिए होती है। तो मगर ये होता है फ्रेंड, नुकसान भी करती है। आजकल तो गर्मी इतनी हो रही है ना बच्चों की, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है फ्रेंड, तो इसे उल्टी वगैरह आ रही थी। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड, मतलब मैं तो इतना हो सकता है ना पानी पिलाती हूँ इसे, हल्की डाइट ही खिलाती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं करती। परसों इसने ज़्यादा खा लिया था, ओवर ही खा लिया हुआ शायद, तो इसने उल्टी कर दी थी। और वैसे भी आजकल गर्मी इतनी है तो पूछ मत फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही थी केसु के लिए मैगी, मैंने कहा चलो सुबह सुबह इसके लिए मैगी बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। और इसने कुछ खाया भी नहीं था, मैंने कहा मैगी हल्की रहती है वैसे तो, इतना वो नहीं होता है, तो मैंने कहा खाना का भूख भी लग जाएगा तो इसके लिए भी बना देती हूँ। तो इनके लिए बना दी थी मैंने मैगी, अपने लिए आटा रखा हुआ था सुबह का, तो रोटी बना दूँगी फ्रेंड। मैगी रख दी फ्रेंड, तो मैं इसको ना बाद में ही मसाले डालती हूँ इसमें, मतलब पानी भी कम ही डाला हुआ क्योंकि जल्दी बन जाती है। देख सकते हो मैगी मेरी बनने वाली है, 2 मिनट में और फिर डालूंगी मैं इसमें मैगी मसाला। ज़्यादा पानी नहीं डाला था फ्रेंड, मैंने फिर ना ज़्यादा पकानी पड़ती है, अगर ज़्यादा पानी डालो ना तो सूखता नहीं है इतनी जल्दी, तो इस वजह से फ्रेंड। यहाँ पे मेरी बेटी को देख सकते हो फ्रेंड, बोल रही है गोदी ले नहीं तो मैं मार दूंगी, तो देख लो इस बच्चे को मारोगे, जल्दी आ। तो यहाँ पे मैं मील जग से पानी निकाल रही हूँ ठंडा फ्रेंड, क्योंकि बनाएंगे अब नींबू पानी। तो नींबू पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मियों में ना, तो और चाय भले ही मत पियो मगर नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए फ्रेंड की हर किसी को। तो यहाँ पे केसु बैठ गई थी मेरे साथ नींबू पानी बनाने के लिए, तो मैं लाई थी 2 नींबू। तो यहाँ पे दी भी आ रखी है और हस्बैंड का भी बनाना है और अपना भी पीना है, तो सब नहीं यही नींबू पानी पियेंगे फ्रेंड। तो मैं तो चाय पीती नहीं ना, मैंने हस्बैंड को दी और दी ने भी मना कर दिया था। और गर्मी में मतलब चाय जो लोग पीते हैं ना वो तो सबसे बड़े क्या होते हैं आप लोग समझ ही सकते हो, मतलब उन्हें अपनी सेहत का ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते भाई। और गर्मी में तो चाय अवॉइड ही करनी चाहिए जितना हो सकता है, पर किसी की लत लग जाती है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड, तो मतलब हो ही जाता है भाई, हैबिट हो जाती है ना, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। बट मैं तो चाय पीती नहीं मगर नींबू पानी ज़रूर पीती हूँ आज गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने नींबू को निचोड़ा था, तो केसु ने निचोड़ा था पहले, तो ढंग से नहीं निचोड़ा था, बोल रही थी हो गया इसे फेंक दो, मैंने कभी नहीं फेंकना है, इसने बोली मैं काटूँगी दूसरा, मैंने कभी मत काट, मैंने कहा एक में ही बन जाएगा नींबू पानी, ये नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएगा। तो बोल रही नहीं मैं काटूँगी चक्कू ले लिया था, मैंने कहा नहीं हाथ कट जाएगा, तो केसु हाथ भी कट जाता आज, तो वो तो बच गया चलो है ना फ्रेंड। तो मैंने कहा इसमें काला नमक भी डाल दिया है और चीनी डाल के लाई थी मैं, तो काले नमक से क्या होता है मैंने गैस वगैरह नहीं बनती है कुछ भी, इसलिए मैं काला नमक भी डालती हूँ नींबू पानी में। तो आप लोग भी ज़रूर बताना आप लोग डालते हो नहीं डालते हो मुझे, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है काले नमक डाल के ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे ही करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो किस हाथ डाल रही थी मैं, इसे डाल रही थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बेटा गंदी बात होती है हाथ डालना, क्योंकि सब पीते हैं फ्रेंड अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए बच्चे होते हैं ना वो मानते कहाँ हैं, तो बच्चे अपनी नादानियाँ तो दिखाई देते हैं, सैतानियाँ नादानियाँ जो भी है, तो बच्चों के बिना तो घर भी नहीं होता है फ्रेंड है ना। तो यहाँ पे देखो केसु बोलती मैं करूँगी ऐसे ऐसे, मैंने कहा नहीं आप सारा बिस्तर में गिरा दोगे, आज उसने पूरी ना चादर गिरा दी, चादर में पानी गिरा दिया था तो बहुत सारा, मैंने कहा अब फिर गिरा दोगे, बोलती ठीक है मम्मा आप ही कर लो, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आपके लिए नींबू पानी बना रही हूँ, तो बोली कब बनेगा, फिर देखो इसने हाथ डाल दिया था, तो मतलब डालती हूँ ना तो सही रहती है, और चक्कू देखो फिर पकड़ लिया, इसलिए मुझे डर भी रहता है इसका चक्कू पकड़ने का ना, मगर ये कि कभी ऐसा काम करा नहीं है इसने, मगर डर माँ होती भाई उसको तो डर लगता ही है कि हाथ ना कर जाए, तो मैं इसलिए नींबू पानी बना रही हूँ, दीदी को भी देना है, सबको ने पीना है फटाफट से, मम्मी जा रही मामा और के वहाँ पे। तो यही रहता है मेरा ना कि मतलब कब
मैं अपना काम निपटाऊँ, कब मैं अपना काम निपटाऊँ। तो शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 5:30, तो हस्बैंड आते हैं 6 बजे, तो 6 बजे आते हैं, तो मैं रख दूँगी फ्रीजर में। तो केशवी ने यहाँ पे दी को दे दिया था नींबू पानी, फ्रेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना केशवी बोल रही है कि मुझे ना निप्पल में दूध पीना है, मतलब तेरे दादी ने पता नहीं निप्पल रखी होगी कहाँ, देखती हुई इसकी दादी सफाई कर देती है ना इसके अंदर। देखो मेन चीज ही नहीं है जिससे पी है बेटा, गिलास से पी ले वो तो तेरे दादी ने कहाँ रख दे बेटा पता नहीं। जो अंदर का होता ना पीने का निप्पल सा, निप्पल निप्पल ही नहीं मिला। ये तो ढक्कन देखो कितने सारे हमारे पास। मुझे क्या पता ढक्कन का, दादी ने रखा होगा, फेंक फूक दिया होगा बेटा, तो नया मंगा दूंगी आपका। अभी अभी देख, हाँ अभी देख धूप आ रही है ना, देखते धूप आ रही है ना, फिर जब जाएगा ना पियाँ दुकान, पापा आएगा पैसे लेके, तब मंगा दूंगी आपके। मुंह में बटा लो गंदा, ठीक है चल कर दे। यहाँ पे बनानी थी प्याज की चटनी, तो मैंने प्याज ले लिया है एक, तो हस्बैंड बोलते चटनी बना लो, सुबह की सब्जी भी रखी हुई है, वैसे सब्जी भी रखी हुई है सुबह की, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सब्जी थोड़ी चटनी हो जाएगी। और सुबह की सब्जी खाने का ना मन नहीं करता है भाई, और शाम को, और दो दोनों टाइम तो सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है, चटनी तो ज़रूरी होती है फ्रेंड, है ना, शाम के टाइम। तो एक टाइम तो हम चटनी खाते हैं, और सुबह के टाइम मैंने कहा सब्जी बनानी है, अब दो दो टाइम कौन बना रहा सब्जी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो खाना भी हल्का फुल्का ही खाया जाता है, इतना खाया भी नहीं जाता। मैंने कहा चलो चटनी बना दूँ फटाफट, प्याज काटने लगी थी मैं यहाँ पे, मैंने प्याज को छील लिया था फ्रेंड, और यहाँ पे मैं थोड़ा ना बारीक बारीक से चॉप कर दूँगी इसे हाथों से ही। तो इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी और नमक और यही डालूँगी, लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें भी मिर्च होती है इसलिए। तो मैंने इसी के सिलबट्टा भी लाई थी, बट मैंने ना सिलबट्टे में चटनी नहीं बनाई आज, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादा पतली भी हो जाती है, मैंने कहा आज इसे बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे घूंघट कर लिया था क्योंकि इसमें ना छिट्टे पड़ते हैं, बात ये रहती है इसमें कम मेहनत लगती है, इसमें ज़्यादा लगती है फ्रेंड। तो सिलबट्टे में ना मगर मेहनत करने से कौन पीछे हटता है भाई, है ना, तो मैं तो उसी में ही बनाती हूँ, बट मैंने कहा आज बहुत दिनों बाद इसे मैं बनाती हूँ चलो। और यहाँ पे मैंने चुन्नी रख दी थी आगे, क्योंकि मिर्च के छिट्टे पड़ जाते हैं ना तो आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है आँखों में ना, फिर इसलिए मैं ये चुन्नी आगे कर देती हूँ। तो घूंघट भी करना पड़ता है फ्रेंड, देख लो, है ना, जहाँ नहीं भी करना होता है वहाँ भी कर लेते हैं, तो यही होती है भाई मजबूरी है मेरी भी, है ना फ्रेंड, नहीं तो मैं कहाँ करने वाली वैसे, तो इसलिए ना इससे भी डरना पड़ता है फ्रेंड, क्या करें। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी और यहाँ पे काम भी कर रही थी, मैंने कहा फटाफट इस चटनी को बना देती हूँ, मैं शाम से ही लगी थी टाइम से ही, तो मैंने कहा टाइम से ही कर लो ना सही रहता है कि बन नहीं जाता है फिर, है ना, टाइम से खाना पीना, तो इसलिए मैं शाम को लगी थी। मैंने कहा आटा भी बूंद लूँगी और मैं यहाँ पे प्याज की चटनी बना लेती हूँ। तो हस्बैंड गए थे यहाँ पे बाइक सही करवाने के लिए, इनकी बाइक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या है दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो सर्विस भी करा ली, 600 रुपये सर्विस के लग गए, और क्या बोलते हैं सही भी नहीं हुई, फिर वही इसका ना वही काम कर रहा है, बोर्ड करंट नहीं पकड़ रहा है बाइक में, तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत होती है, मतलब समझ में नहीं आता यार इतनी दिक्कतें क्यों आती है इंसान की लाइफ में ना, दिक्कत ना हो तो कितना अच्छी लाइफ रहेगी, है ना, अगर मगर क्या कर सकते भाई, स्ट्रगल लाइफ तो होती है हर किसी की, तो कभी कभी तो हैप्पीनेस वाली लाइफ होती है, कभी कभी सैड वाली होती है, मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, है ना, अगर दोनों चीज़ नहीं होगी तो किसी की कमी और किसी का कैसे पता चलेगा हैप्पी और सैड में अंतर वगैरह, तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड। यहाँ पे चटनी बनकर तैयार है फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग।